आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Zn सॉलिड प्लस CO2 इज इक्वल टू ZnO प्लस CO। तो देखिए, सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से लिखते हैं। आपको मान लीजिए एक रिएक्शन आपको दे के रखी AA प्लस BV इज इन इक्विलिब्रियम विद CC प्लस DD। A और B जो है वो आपके पास क्या है, दोनों A और B आपको जो दे के रखे हैं वो आपके पास रिएक्टेंट है, और C और D जो है वो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। तो अगर मैं लिखना चाहूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो लिखने का आपका तरीका होता है K, मतलब कि रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट इज Kf। Kf इज इक्वल टू हो जाता है Kf इनटू रेट फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, Kf इनटू स्मॉल या जो आपका रिएक्टेंट A है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ A एंड इसकी पावर, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल a, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B और इसका पावर स्मॉल b। रेट ऑफ अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन देखना चाहूं, बैकवर्ड रिएक्शन का, तो वो क्या हो जाता है Kb इनटू C की पावर C इनटू D की पावर D, क्योंकि बैकवर्ड के लिए ये दोनों आपके, ये दोनों किस तरीके से रिएक्ट करेंगे उस पे डिपेंड करेगा। इक्विलिब्रियम की स्टेट पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो आपका बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड के। रेट जो फॉरवर्ड का है वो आपका बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाएगा Kf इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इज इक्वल टू Kb इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो होता है Kf इज इक्वल टू, सॉरी K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू Kf बाई Kb। यहाँ से अगर मैं Kf बाई Kb निकालूँ तो वो आपका कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका होता है। इसमें हम क्या ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई सॉलिड है तो उसकी जो कंसंट्रेशन हम रखते हैं या हमसे एक्टिविटी बोलते हैं वो हम वन लेते हैं, लिक्विड के लिए भी वन लेते हैं, कोई भी अगर गैस होता है तो उसके लिए उसका प्रेशर जो रहता, और अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसका मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, ठीक है, जनरली ये क्या होता है, मोलैरिटी होता है। तो अब आपको यहाँ पे जो रिएक्शन देके रखा है दैट इज Zn सॉलिड प्लस CO2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद ZnO सॉलिड प्लस CO गैस। तो सॉलिड को तो हम कंसीडर करते नहीं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ZnO सॉलिड का नहीं लिखना, वन होता है, तो प्रेशर ऑफ CO, प्रेशर ऑफ CO और इसकी पावर कितना है वन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में ये आपका सॉलिड है CO2, तो प्रेशर ऑफ CO2 और इसका भी यहाँ पे कितना है वन, तो आपके पास आ गया है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। तो हम चेक कर लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।